एवरीवन, मैं रजनी सचदेवा आज आपसे स्ट्रेस के मामले में बात करना चाहती हूँ। स्ट्रेस कितना कॉमन सा वर्ड है। आज आप किसी छोटे बच्चे को बुलाओगे तो वो स्ट्रेस में है, किसी सीनियर सिटीजन को बुलाओगे तो वो स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस को कौन नहीं जानता, स्ट्रेस को सब जानते हैं। लेकिन स्ट्रेस क्यों है और क्या है, आज मैं आपको ये बताऊंगी। स्ट्रेस हमारी जीवन की एक परिस्थिति नहीं है, या वो परिस्थिति हमको स्ट्रेस नहीं दे रही, वो हमारी इनएबिलिटी है कि हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वो हमें स्ट्रेस होने लगता है। जैसे कि एग्जांपल कि एक स्टूडेंट होता है तो वो सोचता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो मेरे को ही है, लेकिन वो उनकी इनएबिलिटी है क्योंकि वो जानता है कि सारा स्ट्रेस तो मेरे ऊपर है। वो सोचते हैं कि जब ये हम इस स्कूल से निकल जाएंगे तो हम तो जश्न मनाएंगे, पार्टी मनाएंगे, लेकिन जो आज नौकरी कर रहे हैं वो भी स्ट्रेस में है। उनको लगता है कि इससे अच्छा तो हमारे स्कूल कॉलेज थे, उसमें हम बहुत ज्यादा मस्ती कर लेते थे। तो स्ट्रेस तो हमारी लाइफ के हर चीज में है, ये प्रॉब्लम्स तो अगेन एंड अगेन हमारे जीवन में आती ही रहती हैं, बस उन सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाते। जैसे कि जिसके पास डिग्री है वो भी स्ट्रेस में है, जिसके पास डिग्री नहीं है वो भी स्ट्रेस में है, जिसकी शादी हो गई वो भी स्ट्रेस में है, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी स्ट्रेस में है, जिसके बच्चे हैं वो भी स्ट्रेस में है, जिसके बच्चे नहीं है उनका तो हाल ही बुरा है, उनसे पूछो स्ट्रेस क्या होता है। तो जो स्ट्रेस है वो सभी को ही है, सभी परेशान है, लेकिन हमें हमारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो स्मार्टनेस होनी चाहिए कि हम उस स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे जीवन में अगेन एंड अगेन आएंगी, लेकिन उसको हमें अपना नजरिया बदलना होगा, हमें उसकी अपनी एबिलिटी बदलनी होगी। तो हमारी जो वो कष्ट है वो बहुत बड़े भी छोटे से हमें लगेंगे, क्योंकि हर जीवन में आप ये देखो कि जब हमारे को स्ट्रेस होता है तो हमारी एनर्जी लेवल कितना लो हो जाता है, और जब हमें स्ट्रेस नहीं होता तो हम पूरे दिन ऐसे काम करते रहते हैं, भागते रहते हैं, खुशियां मनाते रहते हैं, तो हमें कुछ फील ही नहीं होता। जैसे प्रॉब्लम्स हैं वो कोई इतनी बड़ी और कष्टदायी नहीं होती जिनको हम बना देते हैं, क्योंकि हम उस चीज को बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अब ये सोचो कि ये आप 5 साल पहले आपके पास कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसमें हम कितना रोए थे, और आज हम उस प्रॉब्लम पे हंसते हैं, अरे मैं उस प्रॉब्लम पे रो रही थी। तो वक्त तो वो कट जाएगा, वो प्रॉब्लम तो सारी दूर हो जाएंगी, लेकिन जो उस वक्त हम रोते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते। जब प्रॉब्लम में हमेशा हमें हंसना ही है तो फिर हम इतना क्यों परेशान हो जाते हैं, तो उसको हम सलीके से क्यों नहीं हैंडल करते। इसीलिए हमें अपने जीवन के नजरिए को बदलना पड़ेगा, हमें अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, हमें अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दिन अपना सुधारेंगे, हम अपने स्ट्रेस को कम करेंगे, दूसरे दिन सुधारेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तीसरे दिन अपने आप को बदलेंगे, तो हमारा जीवन बहुत शांतिपूर्ण हो जाएगा और हमें स्ट्रेस को कम करना आ जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस करने से हमें बहुत बहुत नुकसान हो जाते हैं, हमारी कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो उस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है हमें ये सीखना है। क्योंकि यदि हमारे पास एक छोटा सा कष्ट आया वो इतना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमने जो उसकी चिंता कर ली वो बहुत बड़ी चीज होती है कि हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। समझ लो कि चिंता और चिता दोनों बराबर हैं। जो चिंता होती है वो हमें रोज रोज मारती है, हमें रोज परेशान करती है, लेकिन जो चिता होती है वो एक बार इंसान को बाद में जलाती है, और चिंता हमें रोज 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 परेशान करती है। तो क्यों ना हम अपनी प्रॉब्लम का हंस के सॉल्यूशन करें, ढूंढे, उसको मैनेज करना सीखे, उसके लिए अपने अंदर एबिलिटी लेके आए, तो हमारा स्ट्रेस जीवन में बहुत कम हो जाएगा। हमें लगता है सफल व्यक्ति है, उसके जीवन में क्या कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम सबके पास है, हैंडल करने के तरीके सबके पास अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं आज आपको स्ट्रेस दूर करने के कुछ टिप्स बताऊंगी, उसमें आप स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला नंबर होता है प्राणायाम। यदि हम योगा जो है इसको आज पूरे देश ने अपनाया है, तो प्राणायाम करने से हमारे मन में एक शांति मिलेगी, हम आंख बंद करके ओंकार का जाप करेंगे तो हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा, हम कभी अकेले ना बैठें। जब भी हम कभी अकेले बैठते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लगने लगती है, लगता है कि ये प्रॉब्लम कैसे निपटेगी, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो बहुत छोटी कर सकते हैं हम अपनी एबिलिटी से। तो हम क्या करें, अपने दोस्तों को बुलाएं, उनके साथ खूब सारी बातें करें,
खूब इंजॉय करें, खूब मस्ती करें, तो हम अपने प्रॉब्लम को शायद भूल जाएंगे। तीसरी चीज़ है जो हमारा इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट हो उसको हम डेवलप करें। जैसे कि किसी का सिंगिंग है तो वो सिंगिंग करेगा तो वो उसमें खो ही जाएगा, जैसे कि डांसिंग है तो डांसिंग इंसान करता है तो वो उसमें खो जाता है। तो हम अपनी चीज़ें में जिसमें हमें इंटरेस्ट है हम उसको ढूंढें, और तो हमारी प्रॉब्लम बहुत कम हमें लगने लग जाएगी। तो ऐसे ऐसे हम कुछ अगर नुस्खे अपनाएंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान है, बस उसके हमें तरीके ही तो चाहिए होते हैं कि उसको आसान कैसे बनाया जाए। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमारे मरते दम तक रहेंगी, प्रॉब्लम्स हमेशा ही रहेंगी। अब एक छोटा बच्चा होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता। और जब हम स्ट्रेस ले लेते हैं, हम चिंता करने लग जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगने लग जाता है। तो स्ट्रेस रिलीज़ करने का एक ही तरीका है कि हम बहुत खुश रहें और उसको बहुत छोटा समझें प्रॉब्लम्स को। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में सबको स्ट्रेस है, सबको प्रॉब्लम है, लेकिन उसके तरीके खोजें कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे कि कोई अपना बहुत प्यारा है, हमें कोई प्रॉब्लम है, उसको जाके जोर से हक करें, उससे जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, तो हमारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है। ज़िंदगी को हम कैसे कैसे ईजी बना सकते हैं, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, छोटे छोटे अपनी आदतें बदलें तो हमें मैनेज करना आ जाएगा। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रहेंगी, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ प्रॉब्लम ना हो। उसमें हमें अपने अंदर एबिलिटी लानी है, उसको बहुत छोटा बना के हमें चलना है। आज मैं आपको स्ट्रेस दूर करने के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेस की सिचुएशन को हमें कैसे दूर करना है। एक रेस्टोरेंट होता है, उसमें बहुत सारी लेडीज होती हैं, तो एक लेडी के ऊपर कॉकरोच चढ़ जाता है। तो वो इतनी चिल्लाती है, इतना शोर मचाती है कि वो जोर जोर से कूदने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इधर से उधर भागती है, उधर से इधर भागती है और चिल्लाने लगती है जोर जोर से। तो वहां पे जो सारी लेडीज बैठी होती हैं वो भी मतलब परेशान हो जाती हैं। तो वो क्या करती है, आखिरकार उस कॉकरोच को हटा देती है। इतनी ही देर में ये जो कॉकरोच होता है वो दूसरी लेडी के ऊपर आ जाता है, तो वो भी बहुत उधम मचा देती है, इतनी तेज तेज चिल्ला रही, भगा रही उसको, तो वो भी सफल हो जाती है। इतनी देर में वही कॉकरोच एक वेटर के ऊपर आ जाता है, तो जो वो वेटर होता है वो बहुत ही शांत स्वभाव में खड़ा होता है और एक नैपकिन लेता है और उसको उठाता है और उसको रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देता है। तो ये जो कॉकरोच है, आपको मेरा मैसेज समझ आया होगा, ये कॉकरोच एक प्रॉब्लम है। इस सिचुएशन को सबने कैसे हैंडल किया, जो वो दो लेडीज थी उन्होंने उस छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना दिया, और जो वेटर था उसी ने वही सिचुएशन को कितने समझदारी से हैंडल किया। तो ये ही जो कॉकरोच है, ये मेरा मैसेज है कि प्रॉब्लम वही है लेकिन उसको हैंडल करने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी में वो इनएबिलिटी होती है और कोई बहुत प्यार से उसको सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। कई बार हम सफल लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं ये सफल कैसे हुए, तो क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है? उनके जीवन में भी वही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको हैंडल करने का तरीका आता है कि उनको हैंडल कैसे करना है। प्रॉब्लम सबके जीवन में है, स्ट्रेस सबके जीवन में है, लेकिन हमें कैसे हैंडल करना है उसको बहुत समझदारी से, उस कष्ट को छोटे से कष्ट बना के जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, शांति से हम निकालेंगे, तो हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। आप मेरा ये मैसेज यदि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएंगे तो लोगों के जीवन में जो इतने स्ट्रेस हैं, जो इतने सारे परेशानियाँ हैं, वो बहुत कम हो जाएंगी। और ये आप स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।